उपन्यास विधा, और उपन्यास का नाम जो है वह समय सरगम है। दोस्तों आशा है कि आप सभी लोग हिंदी विशेष के तौर पर हैं, हिंदी स्पेशल के रूप में आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। एक बच्चे आई हुई उनको आपको एडमिट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ जो समय सरगम है देखिएगा, एक विधा होती है गद्य की विधाओं को, जैसे गद्य की अलग अलग विधाएं होती है, तो गद्य की विधाओं में सबसे प्राचीन विधा हमारी जो है यह उपन्यास है। आज का हमारा यह इंट्रोडक्टरी सेशन है, और इंट्रोडक्टरी सेशन में आप सभी का फिर से एक बार हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज की तासिका में मतलब आप लोगों को क्या देखना है, तो समय सरगम नामक एक किताब है, चूंकि वह उपन्यास के तौर पर पाया जाता है, तो यह उपन्यास से कृष्णा सोपती जी के द्वारा यह उपन्यास आपके सामने हम लोग रखना चाहेंगे। तो यही उपन्यास आपको देखना है, जब तक हमारी एग्जाम कंप्लीट नहीं होती है तब तक यह एग्जाम आपको इसी समय सरगम के आधार पर बतानी है। तो कृष्णा सोपती जी द्वारा लिखित यह हमारा ये जो उपन्यास है, तो उपन्यास में कौन कौन सी चीजें दिखाई देती है ना, तो उपन्यास मूलतः क्या है, तो क्या क्या देखना है आपको, तो उपन्यास की परिभाषा है, उपन्यास का तात्विक विवेचन है, उपन्यास को लिखने वाले जो लोग हैं, मतलब प्रेमचंद पूर्व उपन्यास लिखे गए, प्रेमचंद के साथ साथ लिखे गए, और फिर प्रेमचंदोत्तर उपन्यास लिखे गए, तो यह सारी जो प्रविधि है इन प्रविधियों के साथ आप लोगों को गुजरना होगा। तो सबसे पहली बात आती है, तो उपन्यास विधा क्या है ना, तो इन सभी पॉइंट्स पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है गद्य की विधाओं में, तो अब तक तो आप लोगों ने कहानियों को देखा होगा कि कहानी क्या है, मतलब जिस प्रकार से हमारे दादी जी नानी जी कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कहानियों का दौर जब चलता है तो कहानियां आप लोगों को बताती होगी है ना, तो उन कहानियों में और यहाँ पर बताने वाली या यहाँ पर होने वाली कथा में क्या अंतर होगा है ना, तो जो कथा लोक कथाओं के आधार पर निरंतर रूप से प्राप्त होती थी वह परंपराओं के अनुरूप भी होती है, तो वही लोक कथाओं का आधार इस जगह पर न लेते हुए कहीं ना कहीं समाज का यथार्थ प्रारूप जो होता है, समाज में होने वाली घटनाएं जो होती हैं, उसे भी इस जगह पर दिखाने का सफल प्रयास किया जाता है। अब देखिएगा, यदि हम इस जगह पर बताते हैं आपको कि सामाजिक यथार्थ रूप में, यथार्थ रूप में माने क्या, तो जो जैसा है वैसा का वैसा चित्रण करवाना माने यथार्थ रूप है ना, जो समाज में चल रहा है। अब देखिएगा कि जब समाज में कोरोना की महामारी चल रही है ना, ये संक्रमण काल है, ओके, तो संक्रमण काल में हम लोग एक दूसरे के साथ देख नहीं पा रहे हैं, अभी तो ये वर्चुअल लैब के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन यदि ये कोरोना का संक्रमण काल न हुआ होता तो हम सभी लोग महाविद्यालय में होते, आप हमारे सामने होते, हम आपके सामने होते, आप क्लासरूम में एंटर होते और हम लोग भी, लेकिन ये प्रविधि अलग हो गई क्योंकि ये महामारी चल रही है, संक्रमण काल चल रहा है, क्योंकि ये जो संक्रमण काल है इसके पश्चात आने वाला जो भी साहित्य होगा तो उस साहित्य में संक्रमण काल की भी, कोरोना महामारी के रूप में भी किसी न किसी प्रकार की चर्चा पाई जाएगी है ना। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों कि गद्य की जो विधा है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, तो इन सभी विधाओं के साथ आप लोगों को पता चलेगा कि यह विधाएं क्या होती है, लेकिन मूलतः हमें इस जगह पर केवल उपन्यास को देखना है। अब देखिएगा कि ये जो उपन्यास है, उपन्यास शब्दों को देखिएगा कि उपन्यास शब्द क्या कहता है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है या ज्यादा फास्ट हो रहा है? नहीं मैम, ओके, क्लियर हो रहा है? यस मैम, ओके, वेरी गुड। अब देखिएगा, जब हम इस प्रकार से किसी न किसी रूप में जुट जाने का प्रयास करते हैं तो ये जो हमारी गद्य विधा है और गद्य विधा में से हमें मूलतः देखना है उपन्यास को, तो ये जो उपन्यास है तो ये जो शब्द तैयार हुआ है इस शब्द को देखेंगे, उपधनन्यास, तो उप से तात्पर्य क्या है और न्यास से तात्पर्य क्या है, तो उसे भी हम आपके सामने रखना जानेंगे कि न्यास का मतलब होता है पास रखना और उप माने समीप है ना, समीप रखना यानी क्या,
तो पास रखना। अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा कि उपर यानी जो होता है, उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है पास रखना, मतलब उपन्यास अपने ही समय में, है ना, जो उपन्यास होता है समय के मानव और मानव जीवन के साथ जो घटित होने वाली घटनाएं होती है, जो हो चुकी हैं, उन घटनाओं का लेखा जोखा इस जगह पर जब वह प्राप्त करवा देता है, आज की वास्तविक स्थिति से प्राप्त करवाता है, तो वह उपन्यास कहलाता है। उपन्यास का जो स्तर है वह उपन्यास अत्यंत व्यापक रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यदि हम किसी फिल्म को देखते हैं, है ना, फिल्म में और सीरियल में अंतर होता है। फिल्म 2 घंटों का होता है मतलब वो व्यापक होता है, और जो सीरियल होती है वो छोटी होती है। तो इस प्रकार से यह उपन्यास जो होता है, एक दूसरे से यदि कहा जाए तो एक फिल्म का भी निर्माण हो सकता है। मतलब तो है कि जिस प्रकार से उपन्यास की विधा होती है, तो उपन्यास यह विधा अत्यंत व्यापक स्तर पर प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। कहानी छोटी होती है लेकिन उपन्यास बड़ा होता है, दिखने में भी बड़ा होता है और फिर वह आकार से भी बड़ा होता है, उसके पृष्ठ संख्या ज्यादा होती है कहानी की तुलना में। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? यस। आगे बढ़े हम लोग? यस मैम। हाँ, अब देखिएगा प्रेमचंद जी जो है, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कहा है उपन्यास के संदर्भ में, कौन सी परिभाषा कही हुई है, तो उसे हम यहाँ इस जगह पर लिखते हैं। आपके पास यदि कॉपी पड़ी होगी, आपने ली होगी, तो आप उसमें भी राइट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको एकोत्तरी प्रश्न मंजूषा पूछी जाए कि मुंशी प्रेमचंद जी की परिभाषा को परिभाषित कीजिए, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कहा हुआ है देखिएगा, वो कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूं, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर है। आप देखिएगा यहाँ इस जगह पर वो क्या बताना चाहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूं, है ना। मतलब तय है कि प्रेमचंद जी ने क्या कहा कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूं, और मानव के चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर होता है। अब देखिएगा कि जब इस जगह पर वह उपन्यास को पूरे मानव जीवन को लेकर चल रहा है, मतलब किसी एक व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, बल्कि वह समस्त जीवन के आधार पर, और वह भी चित्र समझ रहा है, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना चाहता है और उसके रहस्य को खोलना चाहता है, और यही मुख्य स्वर उपन्यास का होता है, ऐसा प्रेमचंद जी ने कहा। अब आगे देखिएगा, यदि आपका ये हो गया है तो इस जगह पर हमारे साथ जुड़ते हैं प्रेमचंद जी के साथ साथ रहने वाले, प्रेमचंद जी की ही यशोधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं यशपाल जी। तो यशपाल जी उपन्यास के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने तो बड़ा विचार उनका रखा हुआ है समाजधाराओं को लेकर, एवं उनकी विचारधाराओं को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया। समाजधारा देखिएगा, जब एक जगह पर यहाँ मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूँ, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर है, तो यहाँ इस जगह पर यशपाल जी कहते हैं, समाजधारा एवं विचारधारा के तारतम्य को समाजधारा एवं विचारधारा के तारतम्य को प्रकट करने वाली जो विधा है, वह उपन्यास है ना। अब देखिए
देखिएगा कि जो समाज धारा है और जो विचारधारा है, समाज धारा एवं विचारधारा के तारतम्य को प्रकट करने वाली जो विचार विधा है वही यशपाल ने कहा कि वही उपन्यास है। अब देखिएगा कि उपन्यास जो शब्द है, यह उपन्यास शब्द किसे कहा जाता है, तो उप यानी पास और न्यास माने रखना, मतलब समीप रखना, उसके समीप पास रखना, और उपन्यास अपने समय के, ये भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि उपन्यास अपने समय का, उपन्यास अपने समय का, अपने समय के मानव जीवन का आज के मानव जीवन के इतना समीप रखता है, उसे समग्रता से देखा भी और समझा भी जाता है। देखिएगा क्या कि उपन्यास अपने समय के, उपन्यास अपने समय के मानव जीवन को, आज के मानव जीवन के इतना समीप रखता है, मतलब क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आपके पास यदि मोबाइल होता है ना, तो आप इसकी पिक भी निकाल सकते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं ना, उसकी पिक भी निकाल सकते हैं, मतलब ये सब चीजें लिखने में आपका व्यस्त समय चला जाएगा, तो बाद में पता नहीं चलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो आपको यदि ये हो पा रहा है, हम प्रयास करेंगे कि वह रिकॉर्डिंग कर लें। एक बच्ची जो है वो वेटिंग में है, आप एडमिट कर लीजिएगा, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं कि उपन्यास अपने समय के मानव जीवन को आज के मानव जीवन के साथ इतना समीप रखता है, उसे समग्रता से देखा भी और समझा भी जाता है। अब देखिएगा यहाँ इस जगह पर जो उपन्यास बताया गया है, वह उपन्यास अपने समय के मानव जीवन को, मतलब जो आज घटित हो रहा है ना, मानते हुए चलिए कि आज के कोरोना के महामारी का जो संक्रमण यह काल है, तो आज की जो वास्तविक परिस्थितियां है, इन परिस्थितियों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। हम लोगों को पता चल रहा है कि इस प्रकार से ये महामारी है, कि हम लोगों को मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है, हाथ धोना है, क्लीन रहना है, किसी के साथ खांसी बुखार होने वाले लोगों के साथ नहीं रहना। तो इस प्रकार की जितनी भी जिम्मेदारियों को आज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उतनी सारी जिम्मेदारियां शायद भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियों को पता नहीं चलेगी। और पता कब चलेगी, जब हमारे ही साहित्यकार, चुनिंदा साहित्यकार कोरोना इस महामारी पर, संक्रमण काल पर कोई ना कोई लेख या उपन्यास या कहानी लिखने का प्रयास करेगा, है ना। जब वो लोग लिखेंगे, तब ये कार क्या है या वास्तविकता क्या है, तब उनके समझ में ये चीज आ जाएगी। तो मतलब तय है कि जो उपन्यास होता है, वो उपन्यास अपने समय के मानव जीवन को आज, आज अब हम लोगों को पता नहीं है कि कल क्या हुआ, लेकिन रामायण हुआ, महाभारत हुआ, तो रामायण और महाभारत उस युग में जो घटित घटनाएं हुई, घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा आज हमें प्राप्त होता है। मतलब अपने समय के मानव जीवन को आज के मानव जीवन के समीप वह व्यक्ति रख देता है, जो भी साहित्यकार होता है, जो भी उपन्यासकार होता है, वो क्या करता है, वह अपने समीप रखता है, और अब उसे समग्रता से हम क्या करते हैं, देखते भी है और समझते भी है। यहां तक क्लियर हो गया आपको, समझ में आ रहा है? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। देखिए किन किन चीजों पर हम लोग प्रकाश डाले हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। हम लोग आपको बता चुके हैं उपन्यास विधा क्या है, उपन्यास शब्द का अर्थ क्या है, उपन्यास की परिभाषा हमने आपको सम्मुख रखी प्रेमचंद जी की और यशपाल जी की, उसके साथ साथ हमने उपन्यास यह मूलतः क्या है, उपन्यास का स्वरूप अत्यंत व्यापक होता है, और जितना वो व्यापक होता है उतना ही वह सूक्ष्म भी, और सूक्ष्म होने के नाते गहनता उसमें
होने के नाते वह अपने दृष्टि से परिभाषित नहीं किया जा सकता, फिर भी अनेकानेक प्रकार के उपन्यास सम्राट रहे जिन्होंने उसे परिभाषित करने का प्रयास किया, और उनमें हमने लिया हुआ है प्रेमचंद जी, क्योंकि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के पश्चात हमने लिए यशपाल जी। तो दोनों की परिभाषाएं आपकी आप लोग घर पर है लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ इस जगह पर हमने जो वास्तविकता है जो कि वो उपन्यास के साथ चलती है वो अभी हमने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उपन्यास विधा को किस प्रकार से तात्विक विवेचन उसका क्या होता है, क्या उसके तत्व होते हैं, क्या उसकी खासियत होती है ना। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी खासियत होती है, वह अपनी खासियत के अनुरूप ही कार्य करता चला जाता है। तो खासियत हर एक व्यक्ति की क्या है, विशेषता अपनी क्या है। अब आप लोग देखते होंगे, फिल्मों को देखते होंगे आप लोग, तो हर एक फिल्म का निर्माता जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो अपने अपने प्रोड्यूस करता हुआ लेकिन अपने दृष्टि से अपना जो हीरो और हीरोइन होता है उसे चूज करता है कि नहीं ये जो किरदार है इसी में वो परफेक्ट बैठेगा। उस प्रकार से यहाँ इस जगह पर भी उपन्यास की अपनी एक खासियत होती है, विशेषता होती है, अपने एक तत्व होते हैं। तो उपन्यास के तत्व कौन से हैं तो देखिएगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग, किसी को कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रियंका एनी डाउट? नो मैम। पूजा? नो मैम। रश्मि? रश्मि रश्मि आपका जो माइक है पहले उसे ऑन कर दीजिएगा। हाँ ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी बेटा, है ना। हमारी आवाज तो आ रही है? यस मैम। ओके क्लियर हो गया है यहाँ तक। किसी को कोई सवाल होगा तो आप लोगों के पास 5 मिनट है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहे हो ना? यस मैम। सवाल है किसी को? नो मैम। ओके देखिएगा। तो उपन्यास का तात्विक विवेचन जो होता है, तो उपन्यास के तात्विक विवेचन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जो सर्वप्रथम बिंदु आता है, वह है उपन्यास की कथा वस्तु। अब उपन्यास की कथा वस्तु को क्या कहा जाता है, तो उपन्यास की कथा वस्तु को प्लॉट भी कहा जाता है ना। जिस प्रकार से मानते हुए चलिएगा कि यदि हम किसी की कोई जो फिल्म चली है और उस फिल्म को एक ही व्यक्ति देखने के लिए गया और दूसरा व्यक्ति उसे देखने के लिए नहीं गया है ना। सहेली सहेलियों में बातें चलती है नहीं चलती। पूजा उस फिल्म को देखने के लिए चली गई लेकिन रश्मि उस जगह पर नहीं गए, तो पूजा और रश्मि इन दोनों का डिस्कशन क्या होगा, उस फिल्म के बारे में होगा, होता है ना। तो क्या करेगी जिसने फिल्म देखी है, मतलब पूजा ने फिल्म बहुत अच्छे से देखी है, परखी है, अनुभव किया है, तो पूजा क्या करेगी उस रश्मि को क्या बताएगी, उस फिल्म की क्या बताएगी, स्टोरी, स्टोरी बताएगी। एग्जैक्टली देखिए बेटा यहाँ इस जगह पर ये जो हमारा उपन्यास है, तो हर एक उपन्यास की अपनी एक स्टोरी होती है, है ना। उसे हम कथा वस्तु कहते हैं, उसे हम प्लॉट कहते हैं। जिस प्रकार से पूजा ने फिल्म देखी, रश्मि ने नहीं देखी, लेकिन पूजा ने उस फिल्म की केवल शॉर्ट स्टोरी बता दी और रश्मि ने उस स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक उसी प्रकार से हर एक उपन्यास की कथा वस्तु होती है ना। और यह जो कथा वस्तु है, यह कथा वस्तु उपन्यास की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारा जो प्राण होता है ना, हमारा हमारी जो आत्मा होती है वह आत्मा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या होगी, डेड बॉडी होगी, है ना। फिर कुछ पलों में हमारे जो रिश्तेदार होंगे वह किसी जगह पे हमें गाड़ देंगे या जला देंगे,
होता है ना, आत्मा मतलब आत्मा निकल जाने के बाद, श्वास प्राणवायु निकलने के बाद यह जो देह है वो डेड बॉडी कहलाएगी। ओके, ठीक उसी प्रकार से यदि उपन्यास में कोई प्लॉट ही न हो, उपन्यास में कोई कथा वस्तु ही न हो, तो वह उपन्यास निरस हो जाएगा और हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसलिए उपन्यास की जो कथा वस्तु होती है, तो वह कथा वस्तु उपन्यास की आत्मा के रूप में जाना जाता है, और इस कथा वस्तु को कथानक भी कहा जाता है। इस कथा वस्तु को मूलतः दो चीजों में बांटा जाता है। तो पहला जो है वह पहली कथा आधिकारिक कथा कहलाती है, और दूसरी कथा जो है वह दूसरी कथा प्रासंगिक कथा कहलाती है। अब आपको प्रश्न सामने आया होगा कि आधिकारिक का मतलब क्या है और प्रासंगिक का मतलब क्या है। तो हम आधिकारिक कथा को मुख्य कथा के नाम से भी जानते हैं और प्रासंगिक कथा को गौण कथा के माध्यम से भी जानते हैं। अब देखिएगा कि जब हम प्रासंगिक कथा की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले मूल बात आती है हमारे आधिकारिक कथा की मुख्य बात क्या होती है। देखिएगा, जब फिल्म निर्माता किसी भी फिल्म का निर्माण करता है, और जब कोई उपन्यास का, जब अपने उपन्यास का निर्माण करता है, क्योंकि हम आप लोग फिल्म दुनिया में ज्यादा रहते हैं ना, तो दोनों चीजें हम आपको साथ साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ ये जगह पर जिस प्रकार से कोई स्टोरी लिख रहा है, और वह यदि हम कॉलेज के वातावरण की स्टोरी है ना निर्माण कर रहे हैं हम एक स्टोरी, तो यदि दो सहेलियां हैं साथ साथ चलती हैं, साथ साथ रहती है, लेकिन उन दोनों सहेलियों को छोड़कर भी उसकी और भी सहेलियां हैं, तो यहाँ इस जगह पर जो मुख्य स्टोरी होगी, मुख्य कथा होगी, वह किन लोगों के साथ जुड़ेगी और कैसे जुड़ पाएगी, क्योंकि जो कथा वस्तु है उन दो लड़कियों पर, उन दो नारी पात्रों पर मूलतः प्रेषित होगी, और वहां की जो कथा होगी वह आधिकारिक कथा होगी, वहां की कथा मुख्य कथा होगी, और उन लड़कियों के साथ, उन जो दो सहेलियां हैं, तो दो सहेलियों के साथ प्राप्त होने वाले जितनी भी अन्य सहेलियां हैं, उनका पारिवारिक वातावरण जो है वह प्रासंगिक कथा के अनुरूप होगा। जो प्रसंग उन अलग अलग चीजों पर प्राप्त होते हैं, उन्हें प्रासंगिक कथा के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। यहाँ इस जगह पर आधिकारिक कथा से तात्पर्य मुख्य कथा से लिया गया है, और प्रासंगिक कथा से तात्पर्य प्रसंग प्रसंग के अनुरूप से लिया गया है। मतलब तय है यह कथा वस्तु जो होती है, यह कथा वस्तु हमारी दो कथाओं के बीच में बांटी जाती है। एक कथा वस्तु हमारी आधिकारिक होती है, जिसे हम मुख्य कथा कहते हैं। दूसरी जो होती है वह प्रासंगिक होती है, और वह प्रसंग प्रसंग के अनुरूप होती है, और उसे हम गौण कथा के रूप से भी जानते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ या ना? यस मैम। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना? जी हाँ मैम। ओके, वेरी गुड। अब इसका हमारा दूसरा जो तत्व है वह है पात्र। अब देखिएगा, ये जो पात्र होते हैं, यही पात्र कथा वस्तु की तरह ही दो रूपों में बांटे जाते हैं। अब कथा वस्तु यदि मूल नायक एवं नायिका की ओर अग्रसर हो रही है, तो नायक नायिका के साथ प्राप्त होने वाले जो उसके दोस्त हैं, जो उसके दुश्मन हैं, उस पर भी तो कथा केंद्रित होती है। तो जब कथा वस्तु को दो हिस्सों में बांटा जाता है, तो कथा वस्तु को मूलतः दो हिस्सों में जब बांटा जाता है ना, तो यहाँ इस जगह पर पात्रों को भी उसी के अनुरूप दो चीजों में बांटा जाता है। अब कैसे? यदि कथा वस्तु हमारी नायक नायिका के तौर पर चल रही है, तो जहां पर नायक और नायिका रहते हैं, तो नायक नायिका के साथ और भी लोग जुट जाती है। जैसे नायिका की सहेलियां होगी, नायक के दोस्त होंगे, और जब ये दोनों लोग जुड़ जाते हैं ना, तब इस जगह पर, हाँ, अब हमारा केवल 10 मिनट से, बाकी 10 मिनट में हमारी तासिका खत्म हो जाएगी। कल की तासिका में हम इसके आगे का जो हिस्सा है वो पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग जुड़े हुए हैं ना, तब तक जुड़े रहिएगा। अपने आप कट जाएगी, तब तक हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सब लोग। ओके, तो हाँ,
तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि कथा वस्तु को दो हिस्सों में बांटा जाता है, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा, मुख्य कथा और गौण कथा, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो पात्र होते हैं या मुख्य पात्र भी होते हैं और गौण पात्र भी होते हैं। जो हमारे मुख्य पात्र होते हैं वह नायक एवं नायिका होती है, मूलतः नायक और नायिका के रूप में पाए जाते हैं, और दूसरी जगह पर नायक नायिका के साथ में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, हो सकता है कि नायक के जितने भी दोस्त हैं, नायिका की जितनी भी सहेलियां हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि नायिका की सहेली के घर का, है ना, उसके परिवेश का। मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही हमारी? कट रही है मिस। आपका नेट कनेक्शन लो होगा बेटा, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, फुल रेंज में है हम। ओके मैम। बाकी के सब लोगों का भी आवाज कट रहा है? नहीं मैम। हाँ उनका, नहीं मैम। हाँ आपका ना बेटा नेट प्रॉब्लम होगा, जहाँ पर कनेक्टिविटी मिलती है उस जगह पे जाके बैठिएगा आप, है ना, तो आपका हमारा आवाज नहीं कट पाएगा। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि घर की परिवेश की, जब सहेलियों की बात चलती है तो सहेलियों के घर का जो वातावरण होता है। सहेलियों के घर का जो वातावरण होता है तो वह वातावरण प्रासंगिक कथा के अनुरूप हम लोग लेंगे, क्योंकि यह प्रसंग प्रसंग के अनुरूप प्राप्त होता है, और हमारी जो मूल कथा है, मूल कथा नायक और नायिका के इर्द गिर्द घूमती है, है ना। अब मानते हो जैसे कोई फिल्म होता है और फिल्म में नायक और नायिका, मतलब हीरो और हीरोइन, ये मूल किरदार निभाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ इस जगह पर भी रहने वाला जो हमारा नायक होता है या हमारी जो नायिका होती है, तो नायक नायिका के अनुरूप होने वाली जितनी भी कथा होती है वह कथा आधिकारिक कथा होगी, यह मूल पात्र के रूप में जाने जाएंगे, मुख्य पात्रों के रूप में जाने जाएंगे, और उनकी जो सहेलियां हैं या उनके भावावेश में आने वाली जितने भी प्रसंग है वह प्रसंग एक जगह पर प्रासंगिक कथा के आधार पर जाने जाएंगे, और उनके द्वारा, मतलब जिनके द्वारा ये प्रसंग घटित हो रहे हैं, वह पात्र गौण पात्र के रूप में जाने जाएंगे, प्रासंगिक पात्रों के रूप में जाने जाएंगे। तो यह इस जगह पर कथा वस्तु और पात्र, ये जो दो तत्व है वो हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग इसी के साथ साथ कल की तासिका में और 5 मिनट मिलेंगे क्या हम लोगों को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला तत्व है जिसे कहा जाता है संवाद, है ना। संवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी अभी किसी ने कहा कि मैडम आपकी आवाज कट रही है ना, मतलब हम लोगों के जो संवाद हो रहे हैं तो ये संवाद नहीं हो पा रहे, तो संवाद कैसे होने चाहिए, मतलब बोलने का तरीका हमारा कैसे होने चाहिए। यदि हम लोग एक ही साथ बात करते चले जा रहे, बड़े लंबे घिस रहे हैं, तो जब हम लोग लंबे रूप में घिसते हैं तो औरों को वह बात समझ में नहीं आती, और इसलिए हमारे जो संवाद होते हैं पात्रों के अनुकूल हमारे संवाद होने चाहिए। पात्र जिस रूप में घट रहा है, पात्र जिस तरीके से प्राप्त हो रहा है, उसी तरीके की भाषा हमारी संवादों की होनी चाहिए। और ये जो संवाद होते हैं, यह संवाद दो या अपने दो से अधिक होते हैं। अब यदि हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके अनुरूप ही होना चाहिए, है ना, जब संवादों की बात हम लोग करते हैं तो संवादों की बात करते हुए यहाँ इस जगह पर तय है कि जब संवाद हमारे होते हैं तो संवाद उस व्यक्ति के अनुरूप ही होने चाहिए। यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे सामने आता है और वह यदि गाली गलौज करता है तो ये शोभायमान नहीं होता, और यदि कोई ग्रामीण गांव में रहने वाला व्यक्ति है लेकिन वह अंग्रेजी अफसर की तरह रहता है तो वह भी सूट नहीं करता। तो यहाँ इस जगह पर संवाद जो होते हैं वह पात्रानुकूल होने चाहिए। अब हमारा जो अगला है उसे हम कहेंगे देश काल और वातावरण। लिख लीजिएगा ये सारे तत्व आप लोग। अब उपन्यास जिस भी युग में लिखा गया है ना, जिस भी युग में यह उपन्यास लिखा, मानते हुए चलिएगा कि यदि शिवाजी के दरबार में या मुगल काल में यह कार्य लिखा गया है, उपन्यास लिखा गया है, स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर रहने वाला जो भी दरबार होगा उस दरबार का चित्रण उस जगह पर करना नितांत आवश्यक होगा। यदि हम समाज में चले जाते तो समाज में हर एक प्रकार का व्यक्ति होता है, तो उपन्यासकार को ये सारी चीजें अत्यावश्यक
रूप में अनिवार्यता होनी चाहिए कि जिस प्रकार के वातावरण को, जिस प्रकार की कथा वस्तु को वह पेश करता है, जिस प्रकार के पात्रों को वह पेश कर रहा है, जिस प्रकार के संवादों को वह पेश कर रहा है, तो वहां पर देश काल वातावरण का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। मानते हुए चलेगा कि यदि हम अंग्रेजी शासन की बात करते हैं तो अंग्रेजी शासन में एक जगह पर अंग्रेजी अफसर को दिखाया जाता है तो अंग्रेजी अफसर किस प्रकार से बात कर रहा है, है ना, उनके बात करने का तरीका क्या है। मराठी लोग होते हैं या हिंदी लोग होते हैं, या हम ये यूं कहना चाहेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता के मिलने की जो हमारी स्थिति थी, उस स्थिति का यदि दायरा हम इस जगह पर रखते हैं तो वहां की जो स्थिति थी अत्यंत दयनीय थी। तो उस दयनीय स्थिति को चित्रित करने के लिए हमें उस समाज में जाना पड़ेगा। और सामाजिक चित्रण यह कहता है कि उस जमाने में, उस युग में नारी आम तरीके से घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अनेकानेक प्रकार की समस्याओं के साथ उसे जूझना पड़ता था। और जब अनेकानेक प्रकार की समस्याओं के साथ उसे जूझना पड़ता था तो वह जो नारी थी स्वतंत्रता मिलने के पश्चात कई सालों के बाद भी वह अपने अस्तित्व को खो गई थी। तो इस प्रकार से उपन्यासकार को पता होना चाहिए कि जो कथा वस्तु जिस अनुरूप वह चला रहा है तो पात्रों के अनुरूप क्या वह चल रही है, संवाद क्या पात्रों के अनुकूल चल रहे हैं, और क्या देश काल वातावरण उस कथा वस्तु के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये सारी चीजें उपन्यास के तत्वों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। अब हमारा जो अगला तत्व है, मतलब देश काल वातावरण में जहाँ पर उनकी वेशभूषा को भी देखा जाएगा। यदि हम राजभूषण की बात, मतलब जहाँ पर शिवाजी की बात करते हैं, तो शिवाजी पर अच्छा काव्य लिखने वाले जो है वो भूषण है। तो यदि शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी के दरबार में कोई जींस पैंट पहन के नहीं आएगा, है ना। तो शिवाजी के युग में जैसा उस काल में निहित था वही कपड़े, वही वेशभूषा उन लोगों की होगी, वही केशभूषा उन लोगों की होगी। अब देखिएगा आज के युग में और कल के युग में, मतलब शिवाजी युग में अलग अलग प्रकार का, मतलब दोनों में बहुत नितांत अंतर हम लोगों को दिखाई देता है। तो यहाँ इस जगह पर जैसे कथा वस्तु इर्द गिर्द घूमते हैं पात्रों के, ठीक उसी अनुरूप उनके संवाद होने चाहिए, और उसके जो देश काल वातावरण है यह कथा वस्तु के आधार पर ही होना चाहिए। और आगे का जो हमारा है, तो आगे का हमारा है भाषा शैली। और अंतिम हमारा है उद्देश्य। अब देखिएगा आपका कट हो जाएगा हमारा लेक्चर, ध्यान में रखिएगा कि हम लोग भाषा शैली एवं उद्देश्य तक आए हुए हैं। इन शॉर्ट में बता देते हैं कि भाषा शैली क्या है। अब देखिएगा कि जो पात्र है उन पात्रों के अनुरूप ही उसकी भाषा होनी चाहिए। अब भाषा शैली की यदि बात करते कि वो सरलता के साथ प्रस्तुत होने वाली चाहिए, रंजकता के साथ प्रस्तुत होने वाले चाहिए। यूं नहीं कि बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्द ले लिए, कठिन शब्द ले लिए और वह पाठकों के समझ में ही ना आए। सुंदरता से, सरलता से, सजीवता उसमें होनी चाहिए, कोई निर्जीवता उसमें नहीं होनी चाहिए। यह भी ध्यान उपन्यासकार को रखना पड़ता है, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। और अंतिम हमारा है उद्देश्य। हर कोई व्यक्ति अपने अपने पर्पस के साथ चलता है, अपने अपने प्रयोजन के साथ चलता है। जब कोई किसी न किसी व्यक्ति का प्रयोजन होता है, जैसे आप लोगों को पता चल गया कि 7:45 को जुड़ना है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इस क्लास से मिलकर कि पहली बार हमें ये फील कर चुके हैं कि इतनी जल्दी, मतलब आप लोग वेट कर रहे थे, वेटिंग में थे, वेटिंग लिस्ट में मेरे बच्चे थे। ये सुनकर बड़ा अचरज लगा, आश्चर्य लगा और आनंद भी फील किया कि बहुत अच्छा है कि आप लोग पढ़ने के लिए इतने लोलुप हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, कल भी आप लोग इसे समय पर जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपका उद्देश्य क्या है, आपको अध्ययन करना है। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस अध्यापन करना है। मतलब हर कोई व्यक्ति जो होता है संसार की हर एक चीज किसी न किसी प्रयोजन के लिए बनी गई है। तो यहाँ इस जगह पर उपन्यासकार का भी कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो केवल मनोरंजन करना उपन्यास का उद्देश्य आज नहीं है, ज्ञानार्जन करना यह नहीं है, बल्कि हमने अभी अभी आपको बताया कि समाज की यथार्थता से आप सभी लोगों को वाकिफ करवा देना ही उपन्यासकार का मूल पर्पस होता है। अब हम कल की दासिका में, हम लोग जानेंगे कि प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट है उन परंपराओं से लेकर यहाँ तक आप